बाटे दही चटा के बर्फूले बर्फाले मामा लाए। Hey guys, good morning. Welcome to my new blog. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10। आज का ब्लॉग करते हैं आज हम लोग स्टार्ट। पिछले दो तीन ब्लॉगों में या चार पांच ब्लॉगों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम वहां पे नहीं थे, ब्लॉग से गायब थे। उसका रीजन ये था कि मेरा शेड्यूल जो था थोड़ा ज़्यादा बिजी था, और जितने ब्लॉग थे पिछले वाले सब कुशाग और हर्ष ने शूट किए थे पूर्णागिरी वगैरह में, तो हमने सब मिस कर दिया था। लेकिन अब जो अगली ट्रिप है, जिसके जगह तो नहीं बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले कई ब्लॉगों में बताया है कि हम लोग एक नई ट्रिप पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप है, जो उसका सारा प्लान शेड्यूल हो चुका है, रिजर्वेशन वगैरह सब हो चुका है, बस वो टाइम ही आने वाला है जल्दी। तो उस ट्रिप में हम तीनों लोग तो मिलेंगे, हम तीनों के अलावा और भी होंगे साथ में, तो आप लोग गेस करके बताइएगा कि हमारे साथ में और कौन जा सकता है उस ट्रिप पे, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप है तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल हम नहाए नहीं हैं क्योंकि आज ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहाएंगे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम करना है, तो मिलते हैं अभी नीचे। तो गाइस नहा चुके हैं और नाश्ता भी हो चुका है, एकदम है रेडी, और अब कुछ काम वगैरह निपटाना है तो उसको निपटाने के बाद मिलते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारा एक अमेजोन से हमने अभी परसों कुछ ऑर्डर किया था तो वो आ चुका है। तो हमने ऑर्डर किया था ये बच्चों के डायपर इक्षिता के लिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो जो चीज़ें दिमाग में आती जा रही हैं ध्यान में, उनको ऑर्डर करते जा रहे हैं क्योंकि हमें तैयारी करनी है काफ़ी ज़्यादा। तो मिलते हैं अभी आगे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब हो चुका है शाम, तो शाम को हम आए थे कुशागर के घर पे, रोजा में थोड़ा सा काम था। जैसा कि आज इधर मौसम रोजा में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सुबह से धीरे धीरे रुक रुक के बारिश हो रही है, तो जितने भी आज काम थे जैसा हमने सुबह ब्लॉग में बताया था वो कोई काम नहीं हो पाए। तो दोपहर में घर पे आज थे खाली, तो डेढ़ दो घंटे सो गए थे, उसके बाद उठे फिर चाय नाश्ता किया, कुशाग्र के घर पे आए। तो अभी देखते हैं कुशाग्र क्या कर रहे थे। जी बैठा है सामने कुशाग्र। कुशाग्र भाई आज मौसम कैसा है? नाश्ता रहे, मौसम इतना बढ़िया है, मन कर रहा है बस सीधे बाइक उठाए निकल लें। कहाँ जाने का मन कर रहा है भाई? पहाड़ों में निकल चले कहीं और क्या। पहाड़ों में कहाँ जाओगे बताओ, चले रात में अभी सीधी कर दें गाड़ी, सुबह तक पहुँच ही जाएंगे। यार जाएंगे बाइक से जल्दी जाएंगे, खैर अभी नाश्ता कर लो चंदन भैया, ठंडा हो रहा। तो ठंड के मारे कुशाग्र का मन था समोसा खाने का, ये इधर चाय है समोसा है, बाकी ये इधर मोमोज हैं, मोमोज फ्राई वाले हैं। तो ठंड के मौसम का खाते हैं चंदन भैया, ठंड में इंतजार सब बहुत बढ़िया लगता है, टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो हम लोग अभी खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी जो हम लोगों की नई ट्रिप है हम लोग उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जो हमने आपको बताया था ना कुछ दिन आप वाकई वो कुछ दिन आने वाले हैं। तो उधर नई ट्रिप का कुछ एक्साइटमेंट कैसा है? बिल्कुल, अब बस दिन उल्टे गिनना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। चलो और इधर ये कुछ ने ठंड के मारे इधर हीटर भी लगा रखा है और ठंड बहुत है भाई, ठंड। बाकी तो ये नाश्ता है ही, तो अभी नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस गुड मॉर्निंग, कल का ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, और बाकी जैसे हमने बताया था अभी तक कल पूरे दिन बोरे थी बारिश, और शाम को गए थे कुशाग्र के घर पे, तो उधर से आए थे लौट के करीब 10:30 बजे रात में, तो ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे, तो इसलिए आज कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले काम ये है कि ये मेरे पास कैंटीन का पर्चा है, हमें कुछ घर का सामान ले जाना है कैंटीन, तो आज सुबह नहाए भी नहीं है, चलते हैं हम और गोलू जा रहे हैं कैंटीन, तो सामान देखते हैं आज कितना मिलता है क्या नहीं मिलता है, जैसा होगा वहाँ पे देखते हैं। तो कैंटीन के सामान का पर्चा देके आ चुके हैं, वहाँ पे बोला गया है कि सामान मिलेगा कल, तो कल जाएंगे हम लोग 12-1 बजे के बाद करीब। तो घर पे हम आ चुके थे, नहा लिए, रेडी हो चुके हैं एकदम, अब टाइम है नाश्ते का, तो इधर चल रहा है नाश्ता। तो जो इधर बैठे है गोलू ये कर रहा है नाश्ता, आज सब्जी बनी है आलू टमाटर की और पराठे हैं, बाकी ये इधर रितु हैं ये भी नाश्ता कर रही हैं, जो कुछ थोड़ा सा सलाद वगैरह खा रही हैं, और बाकी अभी नाश्ता करेंगी और हम भी करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। तो अभी बज रहा है शाम के 4:30 और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बाहर से आए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मन कर रहा था चाय वगैरह का, तो इधर रितु ने चाय बना ली है, तो इधर चल रही है, रितु बैठी हैं, इधर हमारी मम्मी बैठी हैं,
ये है गोलू, इधर चल रही चाय पार्टी, सबके हाथ में पॉपकॉर्न वगैरह है। ये रितु अपनी गोलू भी ग्रीन अकेले टी, नमकीन खा रहे हैं, जी अकेले नमकीन खा रहा है, ये ग्रीन टी पी रही है, और इधर हम बाकी सब लोग मिलके आधा आधा पॉपकॉर्न शेयर कर रहे हैं। और इच्छा और इक्षी जय है हमारी, जय इधर मेरे ऊपर चढ़े पड़ी हूँ। इक्षी का खा रहे हो आप? ये खुश हो गए, इनसे खाने का कुछ कह दो ना तो जो खुश हो पड़ती हैं। जे 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 मेरे ऊपर चढ़े जा रही हैं। आटे बाटे दही चटाके, बर्फूले बर्फाले, मामा लाए सात कटोरी, एक कटोरी फूट गई, इशिता हमारी रूठ गई, दही दूध भतेरो। इशिता का टाइम है ये शैतानी करने का, तो ये रात में पेट वगैरह सब भर चुकी है, पूरा दूध दूध पी लिया है, अभी हम लोगों के साथ खाना भी खाया था। तो जो देखो हम बोल रहे हैं ब्लॉग शूट करना है, तुझे मेरा मुंह देख रही है। पापा ने पापा इन्हें मतलब कोई भी अगर एक्टिविटी कोई नहीं करो ना तो इन्हें देखने से मतलब होता है, उसे पूरा देख लेती है कर हो क्या रहा है। इक्षी सब लोगों को हेलो कर दो। हेलो हेलो हेलो, हेलो गाइस, कैसे हो हाउ आर कैसे हो? ये खेलते यू? हाँ, पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं। इक्षिता के पूछने का जो नया तरीका है कि आप लोग कैसे हो। बताओ। तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत इच्छिता के साथ शैतानी हो गई पूरी, और आज दिन में काफी ज्यादा थक चुके हैं, पूरे दिन आज सिटी में बाहर ही रहे, काम निपटाते रहे अपना। तो ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नहीं किसी ब्लॉग के साथ। बाय बाय।